हाँ मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डर है, स्केप्टिकल हूँ मैं ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर, क्योंकि इसका ट्रेलर देख के हमें साफ क्लियर हो रहा है या तो ये मूवी एक कल्ट बन जाएगी या तो ये बॉलीवुड की डूबती नैया पे एक सुनामी का काम करेगी। तो यहाँ हम उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे क्यों ब्रह्मास्त्र फ्लॉप हो सकती है, हाँ या फिर बैन हो सकती है सिंपली बोले तो। पहली बट इम्पॉर्टेंट बात स्टोरी, VFX को हम एक तरफ करते हैं, अगर स्टोरी बढ़िया नहीं हुई कहानी को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में कुछ उल्टा दिखा देते हैं तो ये एक बवाल हो जाएगा। बॉलीवुड के ब्लाइंड हेटर्स, हाँ जो बॉलीवुड एकदम कट्टर वाले हेटर, मतलब बॉलीवुड बना रहा एकदम वो टट्टी ही बनाएगा, वो कुछ अच्छा बना ही नहीं सकता, उनके कारण भी मूवी को बहुत गंदा रिस्पांस, मतलब जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र उस पे मीम्स बन रहे हैं, अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी बन जाएगी मूवी बेकार है, मूवी अच्छी होने के बावजूद भी नहीं चली। मतलब अगर आप किस चीज को जितना ज्यादा नेगेटिव शो करते हैं लोग उसके प्रति उतना ही ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। अगर आप ट्रेलर में से कमियां बताते हैं मूवीज को लेके तो आप उसे ओवर एग्जैग्रेट मत कीजिए, अगर आप कमियों को ओवर एग्जैग्रेट कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयां भी ओवर एग्जैग्रेट कीजिए, उसे बढ़ा चढ़ा के कमियां बता रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के अच्छाइयां ही बताइए। इंडिया में लोग अपने धर्म, अपने रिचुअल्स और अपने भगवान को, अपने देवता को बहुत सैक्रेट मानते हैं, अगर कोई मनोरंजन के लिए वर्ल्ड वाइड इसके साथ छेड़खानी करे तो ये लोग सहेंगे नहीं, लोग बवाल पे उतर आएंगे। अभी हम रिसेंटली बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम पृथ्वीराज चौहान था पहले, लेकिन उसके लिए लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, बोला कि पृथ्वीराज चौहान क्यों, आप एक सम्राट के नाम के सम्राट क्यों नहीं लगा सकते हैं, मतलब इतना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, ये तो देवताओं की बात है, ये हमारे एक सेक्रेट रिचुअल्स और धर्म की बात है, उसके उसके साथ कोई छिड़खानी करता है लोग सही में बवाल पे उतर जाएंगे और मूवी को निकलने तक नहीं देंगे। हाँ अगर दिखाना है तो जेन्युइनिटी के साथ और प्योरिटी के साथ दिखाइए, उसे अच्छी तरीका से दिखाइए, उसे प्रोजेक्ट कीजिए बढ़िया से ताकि लोगों को भी हमारे धर्म कल्चर के बारे में पता चले वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मूवी वर्ल्ड वाइज रिलीज होने वाली और पैन इंडिया भी साथ ही साथ, मतलब 7 से 8 लैंग्वेजेस में एक बात, पूरे वर्ल्ड के लोग इस मूवी को देख सकते हैं, तो अगर आप उसमें छिड़खानी करते हैं किसी के धर्म के साथ तो वो नेग्लेक्ट नहीं करेगा कोई भी। और गॉड जैसी चीजों को सुपर हीरो के तौर पर दिखाना, आप जैसे बहुत पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस्ड होंगे जो कि इसे उतना बढ़िया ना माने, बोले कि यार भगवान और सुपर हीरो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाना ये बहुत लोगों को एनॉय, मतलब वियर्ड भी लगता है, ये क्या है। और दूसरी तरफ इसका प्रीमाइस बहुत ज्यादा ग्रैंड है, मतलब मार्वल और डीसी भी इस तरह की मूवीज 4 से 5 साल में निकालता है, लेकिन इन्होंने पहले बार में इतना बड़ा टेक ले, मतलब इतना ज्यादा ग्रैंड प्रीमाइस देख के लग रहा है, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे पावर्स, इतने सारे विलन, मतलब बहुत ज्यादा ग्रैंड इसका प्रीमाइस, अगर उसमें हल्का सा फ्लॉ निकला तो लोग इसकी गंदी तरीका से ले लेंगे। देखो ये मूवी लुल्ली पुल्ली नहीं होने, मतलब बेकार मूवी तो नहीं होने वाली, अगर ये मूवी अच्छी होती तो बहुत ग्रैंड लेवल पे अच्छी होगी, लेकिन जिस तरह से नेगेटिविटी चल रही है इसके तौर पे लोगों की मेंटेलिटी उस तरीका से हो जाएगी मूवी के बारे में, और अगर हम मूवी देखने नहीं जाते हैं, हमने इसे एक मौका नहीं दिया तो आगे इसके 2 पार्ट्स नहीं निकलेंगे अच्छी होने के बावजूद भी। और दूसरी बात, फिर इंडिया का जो सुपर हीरो जॉनर वो और नीचे चला जाएगा, ऐसी सुपर हीरो जॉनर में उतनी कुछ मूवीज नहीं है, आज तक जो भी मुझे अच्छी लगी है वो एक मिन्नल मुलई थोड़ी अच्छी खासी लगी थी और दूसरा है क्रिस, उसके बाद और कोई भी मूवी कोई खास नहीं निकल के आई, अगर ये भी अगर नहीं चलती है लोग इसे नहीं देखते हैं तो आगे सुपर हीरो जॉनर में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल आगे बढ़ना, और साथ ही साथ इसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा है, उसके कंपनी अगर जब तक ये मूवी 1000 करोड़ का बैरियर नहीं क्रॉस करती है तो मूवी एक तरह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि इसी मूवी के प्रॉफिट में से ही नेक्स्ट मूवी बनाने का पैसा निकालना चाहेंगे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया रेडी है इसके लिए माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन ग्रेटर देन लाइफ सुपर हीरो मैजिकल मूवीज के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जिस तरीके से कल्ट फॉलोइंग हैरी पॉटर की, ट्यूबलाइट सागा की, ट्रांसफॉर्मर्स की, टर्मिनेटर्स की, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसी तरह के इसके लिए भी एक कल्ट बने, जिस तरह से मैं अपने आप को एक पॉटर हेड मानता हूं उसी तरह से मैं आज से 10 साल बाद का सोच रहा हूं कि ये मूवी निकलने के 10 साल बाद भी मैं अगर इस पे बात करूं तो लोग हों उसके बारे में सुनने के लिए, अगर मैं अभी हैरी पॉटर के ऊपर कुछ भी थ्योरी या कुछ भी फैन थ्योरी बना के डालता हूं लोग आ जाएंगे उसे देखने के लिए, लेकिन क्या इसके लिए पॉसिबल हो पाएगा, क्या ये इतने बड़े प्रीमाइस को एक ऐसे तौर पर दिखा पाए कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि जो कंसेप्ट इसने उठाया है वो इतना ज्यादा खुद में इलैबोरेटेड है कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए 1-2-4 घंटे नहीं 2-4-6 महीने लग जाएंगे, ब्रह्मास्त्र ये जो मिथोलॉजिकल चीजें उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको क्या ये टैकल कर पाएंगे एक मूवी में। और जिस तरीके से लोग बॉलीवुड की तरफ भाई पागल हो रखे हैं, जिस तरह बॉयकॉट बॉलीवुड, मतलब वीडियो डालो और एक शब्द बॉलीवुड की बड़ाई कर दो यार, डिसलाइक कॉमेंट में बॉयकॉट बॉलीवुड कॉपी उड क्या क्या लिख के डाल देते हैं यार, इस पर भी पढ़ेंगे 2-4 कॉमेंट या फिर डिसलाइक, मतलब वीडियो 2 व्यू आए हैं उसमें से 30 सेकंड का मैक्सिमम व्यू ड्यूरेशन दिखा रहा है, उसमें से भी डिसलाइक पड़ जाते हैं, मतलब लोग बॉलीवुड का नाम सुनते ही आजकल डिसलाइक कर दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई ये कल्ट तरीका का बने, आज से 10 साल बाद भी हम बात करें इस पे, लोग सुनना चाहें, इसकी थ्योरीज जानना चाहें इसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, आपके क्या ओपिनियन है
ब्रह्मास्त्र के प्रीमाइस को लेकर ब्रह्मास्त्र मूवी कैसा परफॉर्म करेगी उसको लेकर वो कमेंट में बताइएगा। और जानना है कि आपने क्या क्या मिस किया है ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में से, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी एक फैन थ्योरी टाइप आ रही है, मतलब मसाला फैन थ्योरी, दो तीन उसमें थ्योरीज मैंने लिख के रखी है, लेकिन मैंने सोचा ये आगे वीडियो डालते हैं क्योंकि यार कल ही चल रहा था बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। तो आप अपने ओपिनियन बताइए और क्या आप फैन थ्योरी के लिए तैयार हैं, आप भी अपने फैन थ्योरी नीचे कर लिख सकते हैं, उसे मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें लेके आपका नाम लेके बता सकता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।